नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एग्जामपुर में। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति, यहाँ पर हम आपके लॉ एंट्रेंसेस की जो लीगल अवेयरनेस पार्ट है जो कि लैंग्वेज से डील करता है उसे कवर करेंगे। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में भी बताया था कि आपका लॉ ऑफ टॉर्ट्स हो गया, आपका क्रिमिनल लॉ हो गया, ये आपके लॉ इंटेंसिव टॉपिक्स है। पर वेन यू टॉक अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ या फिर जब आप बात कर रहे हैं आपके लीगल मैक्सिम्स और लीगल टर्म्स की, तो ये आपके बेसिकली लैंग्वेज स्किल्स को गेज करते हैं। याद रखिएगा, एज लॉयर्स आपकी लैंग्वेज स्किल्स इमैक्युलेट होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि आपके पास अच्छी लैंग्वेज स्किल्स हो। इसके बिना आप डेफिनेटली एक अच्छे लॉयर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि ओरेटरी, रेटोरिक, ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं एक लॉयर बनने के लिए। ठीक है, चलिए जल्दी से आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि सबको पता चल जाए कि आपकी ये जो लीगल अवेयरनेस की क्लास है जो कि लैंग्वेज स्किल्स पे बेस्ड है वो स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर स्वीति वत्स हैं, स्वीति वत्स को सर लग रहे थे। ठीक है, यहाँ पर स्वरा हैं, गौरव हैं। जल्दी से आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि सबको पता चल जाए कि क्लास आपकी जो है वो प्रारंभ हो गई है। अब ये बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में आपके तीनों के तीनों टॉपिक्स कवर होंगे। ठीक है, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में जो आपका लीगल रीजनिंग का पार्ट है, आपका जो लीगल एप्टीट्यूड का पार्ट है वो कवर होगा। यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है, आपको ये ध्यान देना है कि जितना ज़्यादा आप इस टॉपिक को रिवाइज करेंगे, रिविजन करेंगे, उतना ही बेहतर आप परफॉर्म कर पाएंगे। तो क्लैट में भी अगर आप 100% लॉ क्वेश्चंस को देख रहे हैं तो 100% लॉ क्वेश्चंस में से 60% क्वेश्चंस जो हैं वो आपके लीगल अवेयरनेस से निकल जाते हैं। यानी कि क्या आपको नए रीसेंट केसेस जो हैं उनकी नॉलेज है, उसके अंदर क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं, किस प्रकार से केस स्टडी फॉलो हो रही है, क्या तर्क वितर्क एक पर्टिकुलर जज ने अपनाया है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं। साथ ही साथ में आपके जो लीगल टर्म्स हैं, लीगल मैक्सिम्स हैं, वो भी आपके लॉ एंट्रेंसेस में अधिकतर पूछे जाते हैं, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड अधिकतर ये सारे के सारे वर्ड्स आपके फॉरेन जुडिशरी से लिए गए हैं, जो आपके अन्य जुडिशरी है, दूसरे जगत की जुडिशरी है, वहां से लिए गए हैं। ठीक है, तो ये चीज आपने थोड़ी बहुत ध्यान रखनी है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। कोई बात नहीं। ठीक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि अब आपका एग्जाम क्लोज आ रहा है और ये सारी चीजें आपने डेफिनेटली कवर करनी है। तो अराउंड 20-25 सेशंस के अंतर्गत आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, आपके लीगल टर्म्स एंड लीगल मैक्सिम्स, आपका लीगल अवेयरनेस का जो पार्ट है, और साथ ही साथ में जो आपके इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो आपके जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी हैं, जैसे आपका शाहबानो केस हो गया या आपके अन्य इंपॉर्टेंट केसेस हो गए जो कि आपके लीगल, जो आप बेसिकली कहते हैं कि जो भारत का जो जुडिशरी सिस्टम है उसको बहुत ही अच्छी तरह से इम्पैक्ट करते हैं, तो वो सारे के सारे आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, ताकि अगर आप इंटरव्यू के लिए भी जा रहे हैं यू आर एबल टू आंसर मोस्ट ऑफ दोज क्वेश्चंस। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आपको ये याद रखनी है कि आपका सिलेबस किस प्रकार से होता है। ठीक है, सबसे पहली चीज आपको यह याद रखनी है कि आपका सिलेबस किस प्रकार से होता है। अगर आप क्लैट के बारे में पर्टिकुलरली देखेंगे, केवल क्लैट के बारे में देखेंगे, तो लाइक आई सेड, आपका 50-60% पेपर जो है वो लीगल अवेयरनेस में से आता है। करंट अफेयर्स हो गए आपके लॉ से रिलेटेड, या आप कह सकते हैं एक तरह से आपके लीगल टर्म्स एंड आपके लीगल मैक्सिम्स हो गए। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, प्लीज याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ अगर आप इसकी पकड़, अगर आपने जेन्युइन डिसाइड कर लिया है कि हाँ आपको LLB करते ही आपने लॉ में ही अपना करियर बनाना है, तो बच्चे प्लीज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को बहुत ज्यादा सीरियसली लीजिएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कुछ भी नहीं है, केवल आपका पॉलिटी है। ठीक है, केवल आपका पॉलिटी है, और उसके अंतर्गत क्या क्या इंपॉर्टेंट रूल्स आ रहे हैं वो सारी की सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, ओके, और एच पी थी, इवन आई एम वेरी एक्साइटेड। चलिए, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है, और लीगल एप्टीट्यूड जो हो जाता है ये आपका बाद में स्टार्ट होगा। ठीक है, ये आपका प्रॉपर अच्छी तरह से स्टार्ट होगा, उसके बारे में आप चिंता मत कीजिएगा। इसमें आपका क्रिमिनल लॉ हो गया, आपका सिविल लॉ हो गया, लॉ ऑफ टॉर्ट्स हो गए, आपके बेसिकली लॉ केसेस आपके इसके अंदर भी डिस्कस होंगे, लेकिन कुछ कुछ बहुत ही हार्ड कोर जो आपके लॉ रिलेटेड केसेस हैं उनको भी इसके एप्टीट्यूड के द्वारा कवर किया जाएगा। ठीक है, तो आपने बेसिकली इस क्लास, ये जो आपके 20-25 सेशंस होंगे, इनके माध्यम से आपने क्या क्या फोकस करना है, इनके माध्यम से आपने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे फोकस करना है बच्चे, इनके माध्यम से आपने जो आपके केसेस है उन पे फोकस करना है, आपके जो लीगल टर्म्स एंड आपके लीगल मैक्सिम्स है उन पे फोकस करना है, साथ ही साथ में आपने करंट अफेयर्स पे फोकस करना है जो कि आपका लॉ रिलेटेड है। ठीक है, तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अच्छा, अब यहाँ पर आज की क्लास में हम क्या करेंगे, आज की क्लास सबसे पहली चीज मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि बहुत ही ज्यादा ब्रीफ रहने वाली है। ठीक है,
जी, तो यहाँ पर मैं आपको ये चीज बता देना चाहती हूँ कि आज की जो आपकी क्लास है, आज की आपकी क्लास बहुत ही ज्यादा ब्रीफ रहने वाली है, ठीक है। ये क्लास जो है, ये नहीं श्रेया, आपका जो लैंग्वेज रिलेटेड कंपोनेंट है हम केवल उसको कवर कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यही एक्सपीरियंस रहा है क्लैट की टीचिंग में भी सो फार। तो ये आपने याद रखना है कि 5.5 ईयर्स का जो मेरा एक्सपीरियंस है क्लैट की टीचिंग में, उसके अंतर्गत ये सारी चीजें हम लोगों ने कवर की है। नाउ दैट यू गॉट योर नोटिफिकेशन, इसलिए वी आर ऑल गेटिंग प्रिपेयर्ड। आज की क्लास बहुत ज्यादा ब्रीफ होगी, इसमें हम कुछ क्वेश्चंस को कवर करेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि किस प्रकार से आगे क्लासेस का फ्लो रहने वाला है, ठीक है। हम लोग जैसे आपके लीगल टर्म्स एंड लीगल मैक्सिम्स को कवर करेंगे, आपके कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को कवर करेंगे और आपके केसेस को कवर करेंगे। तो आपके 3 यूनिट्स जो हैं वो आपके कवर किए जाएंगे, अराउंड 20 लेक्चर्स के अंतर्गत ये सारा कुछ कवर हो जाएगा। हो सकता है कि अगर हम कुछ मैराथन्स ले तो उससे भी जल्दी आपका ये कोर्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब कैसे इसे कवर करेंगे, हाउ विल वी कवर दिस, इसको भी ध्यान से देखिएगा। यहां पर अगर आप देख रहे हैं, ठीक है, यहां पर अगर आप देख रहे हैं तो ये क्या है, ये आपका एक क्वेश्चन है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, व्हाट इज अ रेसिडिविस्ट, व्हाट इज अ रेसिडिविस्ट, व्हाट इज अ रेसिडिविस्ट, ठीक है। तो ये आपका, जैसे ये सारे के सारे आपके क्वेश्चंस, ये सारे आपके ऑप्शंस हो गए, तो वी विल बी डिस्कसिंग। और आज बहुत ही सिंपल येट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। आप देखेंगे कि इन क्वेश्चंस में से भी कुछ कुछ क्वेश्चंस आपके लॉ एंट्रेंसेस में आ जाएंगे, ठीक है। अब रेसिडिविस्ट को आप कैसे समझ सकते हैं, देखिए लीगल टर्म्स आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। लॉ का निर्माण क्यों हो रहा है, लॉ का निर्माण आपके ऑर्डर के लिए हो रहा है, ठीक है। अगर आपका एक यूनिफॉर्म लॉ नहीं होगा, अगर आपका एक यूनिफॉर्म लॉ नहीं होगा तो आप जस्टिस के पास नहीं जा पाएंगे। तो सबसे पहले तो आपने एक मेंटालिटी डेवलप करनी है, जब आप लीगल एप्टीट्यूड या लीगल रीजनिंग को देखते हैं तो आपने 2-3 चीजें जो ध्यान में रखनी है, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा आवश्यक हो जाती है, वो 2-3 चीजें क्या है, इन पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहली चीज, ऑलवेज एंड ऑलवेज रिमेंबर के लॉ की आवश्यकता है क्या, ठीक है। व्हाई डू वी रिक्वायर लॉ, हमें लॉ की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि अगर हमें एक तरह का ऑर्डर लेके आना है सोसाइटी के अंतर्गत, और साथ ही साथ में उस ऑर्डर को मेंटेन करना है, ठीक है। एक तो हम ऑर्डर लेके आना चाहते हैं और दूसरा हम क्या करना चाहते हैं, उस ऑर्डर को मेंटेन करके रखना चाहते हैं, ठीक है। तो यहां पर लॉ की एक अहम भूमिका रहती है, ठीक है। तो एक ये चीज आपने स्टार्ट करना शुरू कर देना है कि ऑर्डर को डिसरप्ट कौन करता है, ऑर्डर जो होता है आपका वो किस प्रकार से डिसरप्ट हो जाता है। बच्चे, ऑर्डर जो आपका है वो डिसरप्ट हो जाता है, आप कह सकते हैं एंटी सोशल एलिमेंट्स के द्वारा, ठीक है, एंटी सोशल एलिमेंट्स के द्वारा, क्रिमिनल्स के द्वारा, ठीक है। तो क्रिमिनल्स को आपका फॉर एग्जांपल लॉ एक डिफरेंट टर्म दे देगा, जैसे कि रेसिडिविस्ट हो गया, ठीक है। और साथ ही साथ में ये जो ऑर्डर होता है, इसको थ्रेट कहाँ से मिलता है, इसको कल्चरल प्रैक्टिसेस से भी काफ़ी ज़्यादा थ्रेट मिलता है। कल्चरल प्रैक्टिसेस जो कि आपकी पुरानी हो गई हैं, कल्चरल प्रैक्टिसेस जो कि आपकी पुरानी हो गई हैं, तो आपके लॉ एंट्रेंस, जैसे फॉर एग्जांपल आपके क्लैट में एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है कि आपकी जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो कौन से आपके लॉ को फॉलो करती है, आपके अगर कोई गोरखा वाली कम्युनिटी है तो वो कौन से लॉ को फॉलो करती है, तो एक क्वेश्चन आपका पक्का आता है जो कि डील करता है एक नॉर्मल यूनिफॉर्म लॉ से, और जो लॉ जो कि आपके डिफरेंट कम्युनिटीज ने बना दिया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार या हिंदू सक्सेशन एक्ट के अनुसार क्या लिखा गया है। तो बच्चे, आपने याद रखना है, यू नीड टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट कि लॉ की आवश्यकता क्या होती है। अगर आप लॉ की आवश्यकता के बारे में देख रहे हैं, इफ यू आर लुकिंग एट व्हाई इज लॉ रिक्वायर्ड, तो आपको ये चीज याद रखनी है कि सबसे पहली चीज, जो 2 मुख्य स्तंभ है आपके, एक मुख्य स्तंभ आपका है कि आपका ऑर्डर होना चाहिए, और इस ऑर्डर को आप लीगल टर्म्स में क्या कहते हैं, इस ऑर्डर को आप एक तरह से कह सकते हैं कि आपका जो सारे के सारे डीड्स हैं, सारे के सारे जो चीजें हैं जो जिनका पालन सोसाइटी कर रही है, वो एक पर्टिकुलर क्रम में चलते रहने चाहिए, और दूसरी चीज, ये जो ऑर्डर है इसको मेंटेन भी करना चाहिए। तो वहां पर आपका लॉ आ जाता है। दिस इज वन ऑफ द 4 पिलर्स ऑफ आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और दिस इज वन ऑफ द 4 पिलर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इन सारी चीजों पर आपने खासा ध्यान रखना है, एंड यू नीड टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट। तो क्रिमिनल्स को क्या बोला जाता है, क्रिमिनल्स को आपके कई सारे टर्म्स दिए जाते हैं, ऐसे क्रिमिनल्स जो बार बार अपना क्राइम करते रहते हैं, ठीक है, ऐसे क्रिमिनल्स जो बार बार अपना क्राइम करते रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम रेसिडिविस्ट कहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम रेसिडिविस्ट कहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चे, उन्हें हम रेसिडिविस्ट कहते हैं। देखिए, हाउ यू कैन रिमेंबर रेसिडिविस्ट में सीआईडी आ रहा है,
है, सीआईडी किसके पीछे लगी रहती है, सीआईडी क्रिमिनल्स के पीछे लगी रहती है, ठीक है। रेसिडिविस्ट कौन होते हैं, जो बार बार क्राइम करते हैं, जो बार बार क्राइम करते हैं उन्हें आप रेसिडिविस्ट कहते हैं। और लॉ के लिए ये लोग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लोग बहुत ज्यादा, क्योंकि ये आपके ऑर्डर को डिसरप्ट करते रहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आज हम लोग बहुत ही ब्रीफली कुछ कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, ताकि आप एक तरह से समझ पाए कि आपके लीगल एप्टीट्यूड के अंतर्गत किस प्रकार के क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं और आपने कैसे इसको अप्रोच करना है, ठीक है। सो यहां पर रेसिडिविस्ट कौन होता है, हु इज अ रेसिडिविस्ट, रेसिडिविस्ट इज अ हैबिचुअल ऑफेंडर। रेसिडिविस्ट कौन होता है बच्चे, रेसिडिविस्ट आपका एक हैबिचुअल ऑफेंडर होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो बार बार क्राइम करता रहता है, ठीक है। एक ऐसा व्यक्ति जो कि बार बार क्राइम करता रहता है, बार बार अगर कोई व्यक्ति क्राइम कर रहा है। अब आप खुद सोचिए कि आपके लीगल टर्म्स इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं बच्चे। अगर आप लीगल टेस्टिमनीज को पढ़ रहे हैं, अगर आप लॉ के वर्डिक्स को पढ़ रहे हैं और आपको मेन टर्मिनोलॉजीज ही नहीं पता है, ठीक है। अगर ओके गौरव मिश्रा, ओके यू कैन सी दैट, ठीक है। देखिए जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट श्रेया, ठीक है। नाउ यू नीड टू रिमेंबर कि जब भी आप व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट अ सोसाइटी ऑल्सो, तो आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आप वो सारे वर्डिक्स को पढ़ रहे हैं, अगर आपको टर्म्स ही समझ में नहीं आएंगे, बार बार अगर आपको डिक्शनरी को रेफर करना पड़ेगा, तो फिर कोई फायदा नहीं है आपका लॉयर बनने के लिए। तो तभी आपके लीगल टर्म्स और मैक्सिम्स की, चाहे वो कोई भी लॉ एंट्रेंस हो, आपके कम से कम 5-6% क्वेश्चन उसमें से बन के जरूर आते हैं, ठीक है। डायरेक्टली 5-6 क्वेश्चन आते हैं, और इनडायरेक्टली लगभग आपके 15-20% क्वेश्चन लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स पे बेस्ड होते हैं। क्योंकि याद रखिएगा कि आपके केसलेट्स भी जो आपको दिए जाते हैं, केस स्टडीज भी जो आपको दिए जाती हैं, अगर आपको लीगल टर्म्स की नॉलेज नहीं है तो आप उनको अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो यू नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इस तरह से आज हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, सो दैट यू गेट अ फ्लो, सो दैट यू गेट अ हैंग ऑफ किस प्रकार से हम करेंगे। ये रेसिडिविस्ट हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका रेसिडिविस्ट हो गया। तो रेसिडिविस्ट का क्या अर्थ हो जाता है बच्चे, व्हाट डू वी मीन बाय रेसिडिविस्ट। रेसिडिविस्ट होता है एक रिपीटेड ऑफेंडर, बार बार क्राइम करने वाले व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, बार बार क्राइम करने वाले व्यक्ति को हम रेसिडिविस्ट कहेंगे। तो लॉ के अंदर भी आपके सेपरेट प्रोविजंस है कि इफ द पर्सन इज अ रेसिडिविस्ट, ठीक है, देयर हैज टू बी अ डिफरेंट पेनल्टी फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है। तो डिफरेंट वे में हम आपको पेनलाइज करेंगे, नहीं लॉ का आपका शुभम शर्मा जो आपका टॉट्स है, क्रिमिनल लॉ है, वो डिफरेंटली लिया जाएगा, ठीक है। दैट विल बी टेकन बाय अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर, ठीक है। तो इन चीज को अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा, ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो लेट्स लुक एट अनदर क्वेश्चन फॉर टुडे, ठीक है। आज के लिए एक और क्वेश्चन को फटाफट से देखते हैं, ठीक है। लेट्स लुक एट वन मोर क्वेश्चन फॉर टुडे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड इफ यू विल लुक एट सर्टेन प्रीवियस ईयर्स पेपर्स, उसके अंतर्गत ये क्वेश्चन आपका आया भी हुआ है, ठीक है। नाउ लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन, दिस इज योर क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, यू विल बी एबल टू सी दिस क्वेश्चन प्रॉपरली, आई होप यू आर एबल टू सी दिस क्वेश्चन, ठीक है। अ लॉयर अपॉइंटेड बाय कोर्ट टू रिप्रेजेंट अ पुअर लिटिगेंट इज, ठीक है, पुअर लिटिगेंट। देखिए अगर आप अपने लॉ एंड ऑर्डर से परेशान हैं, तो आप क्या करते हैं, आप एक केस को फाइल कर रहे हैं एंड यू आर ट्राइंग टू फाइट, ठीक है, यू आर ट्राइंग टू फाइट फॉर योर राइट, ठीक है। तभी तो आपका जो राइट है वो कहां पर आ रहा है, आपका जो राइट है वो कॉन्स्टिट्यूशन बता रहा है, तभी आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, ये सारी चीजें आपको कहां से पता चल रही हैं, ये सारी चीजें आपको कॉन्स्टिट्यूशन से पता चल रही हैं, ये सारी की सारी आपको गॉस्पल बाइबल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तभी एज लॉयर्स यू नीड टू बी एक्सपर्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जो भारत का संविधान है उसमें आपको महारत हासिल होनी होती है, अगर आप एक एक्सेप्शनल लॉयर बनना चाहते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, एक्सेलेंट शुभम शर्मा, वेरी गुड वेरी गुड, शुभम शर्मा ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। गौरव मिश्रा सिंह, चार्ली चैपलिन, श्रेया यादव इज ऑल्सो एब्सोल्युटली करेक्ट। तो एक ऐसा व्यक्ति, ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा लॉयर जिसको अपॉइंट किया जाता है एक निर्धन व्यक्ति के लिए, एक ऐसा व्यक्ति हु इज नॉट हैविंग अ लॉट ऑफ मनी, क्योंकि लॉ के अंदर भी, प्रोसेस के अंदर भी देर इज एक्सचेंज ऑफ मनी, ठीक है, देर इज ट्रांसफर ऑफ मनी। आपने सुना होगा कि सलमान खान के लॉयर्स कितने सारे पैसे ले लेते हैं, या सलमान खान जब आ रहे हैं कपिल शर्मा शो पे, देन ही से
पेइंग ये लॉयर्स तो मेरे बहुत ही ज्यादा महंगे हो जाते हैं, या आपके राम जेठ मलानी हो गए, तो राम जेठ मलानी नाउ इज ऑफकोर्स नो मोर, लेकिन राम जेठ मलानी क्या करते थे, ही वॉज वेरी पॉपुलर पर्सन, वो चार्ज अ लॉट, ठीक है। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि अगर कोई लॉयर जो है जिसको अपॉइंट किया हुआ है कोर्ट के द्वारा ताकि वो एक पुअर लिटिकेंट को एक तरह से रिप्रेजेंट कर सके, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं आपका एमिस क्यूरे, एमिस क्यूरे, ठीक है। एमिस क्यूरे का क्या अर्थ हो जाता है, एमिस क्यूरे का अर्थ हो जाता है कि एक व्यक्ति, ठीक है, एक जो आपका लॉयर है वो कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किया हुआ है, निर्धारित किया गया है ताकि वो एक निर्धन व्यक्ति का केस लड़ सके, ठीक है, ताकि वो एक निर्धन व्यक्ति का केस लड़ सके। इसकी क्या आवश्यकता हो गई थी, बिल्कुल सही राहुल, एब्सोल्युटली करेक्ट, इसकी क्या आवश्यकता हो गई थी, क्योंकि ये देखा गया था कि अ लॉट ऑफ पीपल वर नॉट एबल टू फाइट प्रॉपरली, दे वर नॉट एबल टू फाइट दैट केसेस प्रॉपरली, एक तो उनके पास नॉलेज नहीं थी प्लस उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे। तो यहां पर आपको याद रखना है कि लॉ के डेवलपमेंट में, लॉ के एवोल्यूशन में, ये भारत में नहीं हुआ था, लॉ के एवोल्यूशन के अंतर्गत ये देखा गया था कि सारी के सारी प्रोविजन दी गई है कि अगर कोई व्यक्ति सक्षम नहीं है टू लिटरली फाइट देयर ओन केस, एंड द कोर्ट इज अपॉइंटिंग अ लॉयर, और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम एमिस क्यूरे कहते हैं, एमिस क्यूरे कहते हैं। एमिस क्यूरे का क्या तात्पर्य हो जाता है, एमिस क्यूरे का तात्पर्य हो जाता है कि एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा लॉयर हु इज एक्चुअली, ठीक है, ऐसा लॉयर हु इज द फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, एंड एज अ फ्रेंड ऑफ द कोर्ट व्हाट इज ही डूइंग, एज अ फ्रेंड ऑफ द कोर्ट ही इज हेल्पिंग द पुअर लिटिगेंट, ठीक है। एमिस क्यूरे का क्या अर्थ हो रहा है, दिस इज अ लैटिन वर्ड व्हिच मींस फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, और ये फ्रेंड ऑफ द कोर्ट किसको हेल्प कर रहा है, ये फ्रेंड ऑफ द कोर्ट पुअर लिटिगेंट को हेल्प कर रहा है, ये फ्रेंड ऑफ द कोर्ट किसको हेल्प कर रहा है बच्चे, ये फ्रेंड ऑफ द कोर्ट पुअर लिटिगेंट को हेल्प कर रहा है, जो आपका निर्धन लिटिगेंट है, जो आपका गरीब व्यक्ति है, जो कि आपका लॉ का पूरा प्रोसेस प्रणाली को अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, उसके लिए ये एक तरह का भगवान हो जाता है, क्योंकि ये कोर्ट क्या कर रहा है, कोर्ट इनको दे रहे हैं ताकि ये उस पुअर लिटिगेंट के जगह पर लड़ सकें। तो एमिस क्यूरे इज अनदर टर्म, ठीक है, याद है आपका टॉपिक क्या है, आपका टॉपिक है लीगल मैक्सिम्स एंड टर्म्स, लीगल मैक्सिम्स एंड टर्म्स, ठीक है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स दैट यू नीड टू रिमेंबर, क्योंकि ये अगर आपकी बेसिक नहीं बनी होगी देन व्हाट विल हैपन, आप अच्छी तरह से अपनी सारी के सारी जो टेस्टिमनीज है, सारी के सारी जो स्टेटमेंट्स है, उन्हें नहीं समझ पाएंगे राजे, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, अ चाइल्ड हु इज बॉर्न आफ्टर फादर्स डेथ, अपने पिता के देहांत के बाद एक बच्चा जो पैदा होता है, अपने पिता के देहांत के बाद एक बच्चा जो पैदा होता है, उसे हम क्या कहेंगे? जी 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 फरहान, ये बहुत ही बेसिक क्लास है where we are talking about किस प्रकार से आपको आपके लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स पूछे जाते हैं, ठीक है, आपके जो लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स है, हम लोग यहाँ पर, मैं आपको यही बता रही हूँ, हम लोग इस क्लास, इस सीरीज के माध्यम से क्या कवर करेंगे, हम लोग केवल 3 यूनिट्स कवर करेंगे इन सीरीज के माध्यम से, जिसमें आपके 20 से 25 लेक्चर्स हो जाएंगे। इस सीरीज के माध्यम से सबसे पहली चीज हम क्या कवर कर रहे हैं, सबसे पहली चीज हम आपके लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स को कवर कर रहे हैं, लीगल टर्म्स और मैक्सिम्स को कवर कर रहे हैं, आपके जो लीगल टर्म्स हैं और मैक्सिम्स हैं उन्हें हम कवर कर रहे हैं। सेकंड चीज हम आपके क्या कवर कर रहे हैं लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स के अलावा, लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स के अलावा आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, ठीक है, लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स के अलावा आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है जो कि हम कवर कर रहे हैं। और तीसरी चीज क्या है बच्चे, तीसरी चीज जो आपकी है वो होंगे आपके लीगल अवेयरनेस, ठीक है, लीगल अवेयरनेस, वैसे आपका लीगल अवेयरनेस के अंतर्गत ही आता है, लीगल अवेयरनेस के अंतर्गत आपके लॉ रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है तथा आपके जो केसेस हैं उनको हम देखेंगे, ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट यूनिट्स है जो कि हम इस सीरीज के माध्यम से कवर कर रहे हैं, ठीक है, एक्सीलेंट, वेरी गुड, ठीक है। देखिए जब भी आ जाता है आफ्टर डेथ, ठीक है, जब भी आपका टर्म आ जाता है आफ्टर डेथ, तो आपने क्या याद रखना है, आफ्टर डेथ के लिए पोस्थमस होता है, आफ्टर डेथ के लिए क्या होता है, आफ्टर डेथ के लिए आपका पोस्थमस होता है। एयर का क्या अर्थ होता है, एयर का अर्थ होता है योर लीगल एयर, लीगल एयर का क्या अर्थ हो जाता है, ऐसा व्यक्ति जो कि जिसके पास लॉफुली सारे के सारे राइट्स होते हैं, कि आपकी प्रॉपर्टी हो गई, आपके मूवेबल असेट्स हो गए, आपके इमूवेबल असेट्स हो गए, ये सारे के सारे किसके पास जाएंगे, ये सारे के सारे आपके लीगल एयर के पास जाएंगे, ठीक है, ये सारे के सारे आपके एयर के पास जाएंगे, यानी कि आपके जो सक्सेसर्स हैं, ठीक है, यानी कि आपके जो सक्सेसर्स हैं, जो सारी
चीजें अपना लेंगे। इंटरस्टेट भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इंटरस्टेट का क्या अर्थ हो जाता है? व्हाट डू वी मीन बाय इंटरस्टेट? इंटरस्टेट से हमारा क्या तात्पर्य हो जाता है बच्चे? व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरस्टेट, इंटरस्टेट मींस अ पर्सन हु डाइज विदाउट हिज विल, अ पर्सन हु डाइज विदाउट अ विल, हु डाइज विदाउट अ विल, अ पर्सन हु डाइज विदाउट अ विल, अ पर्सन हु डाइज विदाउट अ विल, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने विल के बिना मर जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कारणवश किसी व्यक्ति की डेथ हो गई है और उस व्यक्ति ने अभी तक अपनी विल नहीं बनाई है तो वो कैसा हो गया है? He has died intestate, he has died intestate, ठीक है? For example, I'll give you an example. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि आपके कुछ कुछ ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, अगर वो विल बनाए बिना ही मर गए हैं तो वो क्या हो जाता है? वो इंटरस्टेट हो जाता है। तो अधिकतर कंट्रीज में क्या होता है, अधिकतर कंट्रीज में इंटरस्टेट के जो लॉज होते हैं वो क्या होते हैं कि आपका अगर एक पर्सन इज डाइंग विदाउट अ विल तो आपकी सारी की सारी प्रॉपर्टी जो होती है वो आपकी गवर्नमेंट को चली जाती है, वो आपकी स्टेट को चली जाती है, ठीक है? इंडिया में क्या है, इंडिया में आपके अलग अलग तरह के रूल्स बने हुए हैं इससे रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल If my nanu passed away without writing a will, तो उनके जो illegal heirs हैं, ठीक है, उनके जो legal heirs हैं, उनमें आपका equally distribution हो जाएगा सारी की सारी चीजों का। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम interstate कहते हैं। Interstate का क्या अर्थ हो जाता है? When a person is dying without a will, ठीक है? Absolutely Gaurav, right? Bastard का क्या अर्थ होता है? Bastard का अर्थ होता है a person born out of wedlock, a person born out of wedlock, मतलब उनके माता पिता का विवाह नहीं हुआ होता है और वो बच्चा पैदा हो जाता है, ठीक है? ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? ऐसे व्यक्ति को हम फाउंडलिंग भी कहते हैं, ऐसे व्यक्ति को हम फाउंडलिंग भी कहते हैं। तो लॉ के अंतर्गत ना आपके इनकी भी प्रोविजंस होती हैं कि पहले तो आपका लॉ कहता था कि बास्टर्ड चाइल्ड के कोई राइट्स नहीं है, लेकिन अब उनमें भी कुछ कुछ बदलाव आ रहे हैं, ठीक है? उनमें भी कुछ कुछ बदलाव आ रहे हैं। राहुल, क्रिमिनल लॉ एंड टॉर्ट्स ये नहीं कवर होगा, ठीक है? क्रिमिनल लॉ एंड टॉर्ट्स विल बी कवर्ड डिफरेंटली, ठीक है? वो एक अलग जगह पे कवर होगा इस सीरीज में, लीगल अवेयरनेस की सीरीज में वो कवर नहीं होगा राज्य, ठीक है? तो इस चीज को प्लीज याद रखिएगा, ये जरूरी हो जाता है, ठीक है? अ चाइल्ड बॉर्न आफ्टर फादर्स डेथ इज पॉस्थमस, बास्टर्ड इज अ पर्सन बॉर्न आउट ऑफ वेडलॉक, ठीक है? चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं, लेट्स क्विकली मूव अहेड। तो यहाँ पर आपका सोल्यूशन क्या था? यहाँ पर आपका सोल्यूशन था पॉस्थमस। एंड इंटरस्टेट से हमारा क्या तात्पर्य हो जाता है? एक पर्सन जो कि बिना अपनी विल के उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके लिए आप इंटरस्टेट वर्ड का प्रयोग करते हैं, ठीक है? सो यू कैन रिमेंबर दिस, दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट। ये आपके कई सारे कंट्रीज में, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल यू हैव प्रॉपर, यू नो, यू गॉट प्रॉपर लॉज ऑल्सो कि किस प्रकार से आपके रूल्स जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ person dies without leaving a will, ठीक है? तो he has died intestate, ठीक है? Intestate. Sometimes even if a person has a will, लेकिन will में ठीक तरह के provisions नहीं है, तो भी क्या होता है? तो भी वो case intestacy में आता है। जैसे अगर हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि एक person जो है, उनकी मृत्यु हो गई है, उनका देहांत हो गया, वो चल बसे, लेकिन उनकी will में ना सब कुछ अच्छी तरह से state नहीं किया गया है, उनकी will अच्छी तरह से नहीं बनी है, तो उस case में भी आपका जो पर्सन है वो इंटेस्टेसी में चला जाएंगे, ठीक है? तो इस चीज को आपने थोड़ा ध्यान में रखना है, ये आपके लिए आवश्यक हो जाता है। चलिए फटाफट से आगे चलते हैं, ठीक है? फटाफट से आगे बढ़ते हैं, लेट्स क्विकली मूव अहेड। चलिए जल्दी से लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन, जल्दी से बताइए व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन रहा, जल्दी से बताइए इसका क्या सही जवाब हो जाएगा, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर हियर, ठीक है? जल्दी से देख के बताइए ये जो आपका प्रश्न है इसका क्या सही जवाब हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप बता पाएंगे, ठीक है? द टेम्पररी रिलीज ऑफ अ प्रिजनर इज कॉल्ड द टेम्पररी रिलीज ऑफ अ प्रिजनर, ठीक है? अगर प्रिजनर को, इसके ऊपर भी काफी बहस होती है। एक्सेलेंट, वेरी गुड, वैभवी सिंह ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, स्वीति वत्स का भी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है? देखिए अगर एक क्रिमिनल है, ठीक है, अगर एक क्रिमिनल है उसको सेंटेंस दे दिया गया है, ठीक है, उसको सेंटेंस दे दिया गया है, लेकिन सेंटेंस के दौरान उसका कॉन्डक्ट जो है वो बहुत अच्छा रहा है, ठीक है, उसका कॉन्डक्ट जो है वो बहुत अच्छा रहा है, तो उस पर्सन को क्या मिल सकता है? उस पर्सन को परोल मिल सकता है। जैसे आपका संजय दत्त हो गया, संजय दत्त एक बहुत ही पॉपुलर केस बन गया था परोल के लिए, क्योंकि उनका जो पूरा का पूरा कॉन्डक्ट था वो बहुत इतना प्रशंसनीय था अकॉर्डिंग टू द पुलिस कि उनको परोल दे दी गई थी, ठीक है? तो ये चीज आपने याद रखनी है। यहां पर आपका परोल, परोल इज द करेक्ट आंसर। परोल क्या होता है? अगर आप टेम्पर
टेम्पररी रिलीज कर रहे हैं एक प्रिजनर को, जैसे फॉर एग्जांपल एक प्रिजनर को सजा मिली है 10 साल की, ठीक है, एक प्रिजनर को सजा मिली है 10 साल की, लेकिन 5 साल के अंदर ही उन्होंने काफी अच्छा कॉन्डक्ट दिखाया है और कोई इवेंट आ गया है तो उनको हो सकता है कि 2 हफ्ते की परोल दे दी जाए। उनको क्या दे दी जाएगी? 2 हफ्तों की परोल दे दी जाएगी। 2 हफ्तों की परोल यानी कि 2 हफ्ते तक वो जेल से बाहर जा सकते हैं और लेकिन फिर भी वो सुपरविजन में होते हैं, ठीक है, फिर भी वो सुपरविजन में होते हैं। और कहीं आपके कई कई बार आपका डे परोल होता है, आपका नाइट परोल होता है। डे परोल यानी कि केवल आप दिन में जा सकते हैं, फिर आपको रात तक वापस आना ही पड़ता है। देन यू हैव योर नाइट परोल ऑल्सो, कि डे एंड नाइट दोनों आ रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड, ठीक है। प्लीज रिमेंबर दैट एमनेस्टी से हमारा क्या तात्पर्य हो जाता है बच्चे? एमनेस्टी से हमारा तात्पर्य हो जाता है कि बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, आप जब जनरल पार्डन दे रहे हैं किसी को, एमनेस्टी से हमारा क्या तात्पर्य हो जाता है, जनरल पार्डन के लिए आप एमनेस्टी वर्ड का प्रयोग करते हैं। जनरल पार्डन के लिए आप क्या करते हैं? एमनेस्टी वर्ड का प्रयोग करते हैं। डिस्चार्ज यहाँ पर बिल्कुल गलत है एंड पार्डन इज ऑफकोर्स एक तरह से जब आप किसी को माफी दे रहे हैं, तो परोल यहाँ पर दैट इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर। तो एक टेम्पररी रिलीज जो हो रहा है, ठीक है, एक टेम्पररी रिलीज जो हो रहा है उसे हम क्या कह रहे हैं? उसे हम परोल कह रहे हैं। तो व्हेन यू आर कंडीशनली रिलीजिंग समवन, कंडीशनली आप किसी को रिलीज करते हैं कि ठीक है तुम जाओ लेकिन ये चीजें याद रखना। तो जब आप किसी को कंडीशनली रिलीज करेंगे, ठीक है, जब आप किसी को कंडीशनली रिलीज करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम परोल कहेंगे। व्हाट विल बी कॉल दैट? वी विल कॉल दैट परोल, ठीक है। तो जब आप किसी को कंडीशनली रिलीज करते उसके लिए हम क्या कहेंगे? Parole word का प्रयोग किया जाएगा for conditional release of prisoners, for conditional release of prisoners. Please remember, कई तरह की आपकी types of paroles हो जाती हैं, कई आपके types of paroles हो जाती हैं, ठीक है? For example, if you're talking about your types of paroles, you've got your day parole, you've got your full parole, ठीक है? Day parole यानी कि रात को आपको आना पड़ता है और full parole का क्या अर्थ होता है कि आपको 2 हफ्ते के लिए आपने जहां जाना है आप जा सकते हैं लेकिन supervision होती है, ठीक है, लेकिन सुपरविजन होती है। जी 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 जी, ना केवल DULLB में बच्चे, लेकिन ये इस प्रकार के लीगल टर्म्स और मैक्सिम्स के जो क्वेश्चंस है ना वो आपके आते रहते हैं, ठीक है। जो आपके लीगल टर्म्स और मैक्सिम्स के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एंट्रेंसेस में आते रहते हैं, सो यू नीड टू बी अवेयर अबाउट इट, ठीक है। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से बताइए व्हाट सॉर्ट ऑफ अ लीगल टर्म और मैक्सिम विल कम हियर। ध्यान से देखिए बताइए यहाँ पर क्या सही जवाब हो जाएगा। Yes, Shreya, parole is a conditional release of a prisoner. Parole is a conditional release of a prisoner. ठीक है, चलिए फटाफट बताइए यहाँ पर what will be the correct answer? Offense of breaking a divine idol is, ठीक है, जब आप एक divine idol को break कर देते हैं तो उसको क्या कहते हैं? जी 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 जी, चौटाला को भी मिलता रहा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये हो जाते हैं ट्रिकी क्वेश्चंस, ठीक है, ये क्या हो जाते हैं? ये हो जाते हैं आपके ट्रिकी क्वेश्चंस। बच्चे अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे, ऑफेंस ऑफ ब्रेकिंग अ डिवाइन आइडल, डिवाइन आइडल को ब्रेक कर देना, देखिए अगर आपका क्वेश्चन होता ना ऑफेंस ऑफ ब्रेकिंग डिवाइन रिलीजियस रूल्स, ठीक है, डिवाइन रिलीजियस रूल्स, तो आपका ब्लास्फेमी बिल्कुल सही होता, लेकिन यहाँ पर सैक्रिलेज इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर क्या सही जवाब हो जाता है बच्चे? यहाँ पर सैक्रिलेज इज द करेक्ट आंसर। सैक्रिलेज, डिवाइन आइडल या कोई भी चीज जो डिवाइन है, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स के अनुसार आपका ब्लास्फेमी क्या है? ब्लास्फेमी आपका लॉ बन जाता है। सैक्रिलेज क्या है? सैक्रिलेज आपका एक्ट है। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, इस वर्ड को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, इस वर्ड को ध्यान से सुनिएगा। आप जो गलत कार्य करते हैं, ठीक है, आप जो गलत कार्य कर रहे हैं, आप जो गलत कार्य कर रहे हैं उसकी वजह से आपको क्या मिलता है? उसकी वजह से आपको दंड मिलता है। उसकी वजह से आपको क्या मिलता है? उसकी वजह से आपको कोई ना कोई सजा मिल रही है, ठीक है, यू आर गेटिंग पनिश्ड फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। और आप पनिश्ड किसके अनुसार होते हैं? आपको पनिशमेंट दी जाती है लॉ के अनुसार, आपको पनिशमेंट
पनिशमेंट दी जाती है लॉ के अनुसार, ठीक है, आपको पनिशमेंट दी जाती है लॉ के अनुसार। जो आप गलत कार्य कर रहे हैं बच्चे, ठीक है, जो आप गलत कार्य कर रहे हैं लीगल टर्मिनोलॉजीज में, उसे हम कहेंगे सैक्रिलेज, ठीक है, लीगल टर्मिनोलॉजीज में उसे हम कहेंगे सैक्रिलेज। लेकिन जो लॉ जिसकी वजह से आप पनिश हुए हैं उसको हम कह रहे हैं लीगल टर्म्स में, ये लीगल टर्म्स है, इंग्लिश नहीं है, ये लीगल टर्म्स है, उसको हम कह रहे हैं ब्लास्फेमी लॉज। उसको हम क्या कह रहे हैं? उसको हम कह रहे हैं ब्लास्फेमी लॉज। जैसे पाकिस्तान में आपके कई सारे लोग हैं, जैसे एक बहुत ही खूबसूरत सा पाकिस्तानी सीरियल है जो कि आपका सबा कमर का है, जो कि बागी नाम से था, अगर आप उस सीरियल को देखेंगे तो काफ़ी बेहतरीन सीरियल है, और वो कंदिल बलोच के ऊपर लिखा गया। कंदिल बलोच कौन थी? कंदिल बलोच एक पर्सन थी, एक लेडी थी जो कि पाकिस्तान आइडल के इंटरव्यू के लिए भी गई थी, और उनकी वो जो वीडियो है वो बहुत वायरल हो गई थी, ठीक है। तो कंदिल बलोच के ऊपर ही एक सीरियल बना हुआ है बागी। तो बागी के अंदर वो क्या दिखाते हैं? बागी के अंदर वो दिखाते हैं कि कैसे कंदिल बलोच को आपके लॉज के अंतर्गत, ब्लास्फेमी जो लॉज थे उसके अंतर्गत काफी बार, मतलब यू नो, एक तरह से पनिशमेंट सुनाई गई थी, ठीक है। लेकिन आपने याद रखना है कि जब आप रिलीजन के खिलाफ कोई गलत कार्य करते हैं तो लीगल टर्म्स में उस गलत कार्य को सैक्रिलेज कहा जाता है, और जो लॉ जिसके परिणामवश आपको दंड दिया जाएगा उसको ब्लास्फेमी बोला जाता है, ठीक है। उसको क्या बोला जाता है? उसको ब्लास्फेमी बोला जाता है। तो ये चीज थोड़ी बहुत याद रखिएगा, ये लीगल टर्म्स और मैक्सिम्स की एक तरह से ब्यूटी हो जाती है। तो ऑफेंस जो है ऑफ ब्रेकिंग, तो ये चीज आपने याद रखना है, ऑफेंस जो है आपका ऑफ ब्रेकिंग, ठीक है, यहां पर आपका जो ऑफेंस है ऑफ ब्रेकिंग, ऑफेंस जो आपका हो जाता है ऑफ ब्रेकिंग अ रिलीजियस आइडल, दैट इज कॉल्ड सैक्रिलेज। और ब्लास्फेमी क्या हो जाता है? जो गलत कार्य आप कर रहे हैं। अच्छा, अब सैलस पोपली का क्या अर्थ हो जाता है? सैलस पोपली सुप्रीमा लेक्स एस्टो, ठीक है, सैलस पोपली सुप्रीमा लेक्स एस्टो, ये क्या होता है? ये सिसेरो का एक पर्टिकुलर आपका स्टेटमेंट था जिसका अर्थ था द सेफ्टी और द गुड ऑफ द पीपल शुड बी सुप्रीम, ठीक है। लॉ क्या होना चाहिए? सेफ्टी एंड गुड ऑफ पीपल। सैलस पोपली, सैलस पोपली का क्या अर्थ है? द सेफ्टी, यस गौरव, ठीक है, यू कैन से दैट। सो यू नीड टू रिमेंबर, दिस इज इंपॉर्टेंट, कि जो आपका सैलस पोपली है, सैलस पोपली का क्या अर्थ हो जाता है? सैलस पोपली आपका ये पूरा फ्रेज है, सैलस पोपली सुप्रीमा लेक्स एस्टो, यानी कि लोगों का जो बेहतरी है, लोगों का जो गुड है, दैट शुड बी द प्राइम लॉ, ठीक है, दैट इज अ प्राइमरी लॉ। तो ये चीज आपने यहाँ पर याद रखनी है, सैलस पोपली, ये जो आपका सैलस पोपली है ये सिसेरो के अनुसार क्या है? ये सिसेरो के अनुसार ये स्टेटमेंट है कि सेफ्टी एंड गुड ऑफ पीपल शुड बी द सुप्रीम लॉ, सेफ्टी एंड गुड ऑफ पीपल शुड बी द सुप्रीम लॉ। जो सेफ्टी है और अच्छाई है लोगों के लिए, ठीक है, अच्छाई जो है लोगों के लिए, दैट शुड बी द सुप्रीम लॉ। सैलस पोपली सिसेरो का कोट है, ये याद रखिएगा, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए फटाफट से आगे चलते हैं, जल्दी से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ सैक्रिलेज ऑल्सो दैट यू आर हैविंग, ठीक है, दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ सैक्रिलेज ऑल्सो दैट यू आर हैविंग। सो सैक्रिलेज क्या है? द एक्ट ऑफ इंसल्टिंग गॉड एंड हिज नेम और शोइंग लैक ऑफ रेवरेंस। रेवरेंस का क्या अर्थ हो जाता है? रेवरेंस का अर्थ हो जाता है रिस्पेक्ट। रेवरेंस का क्या अर्थ हो जाता है? रेवरेंस का अर्थ हो जाता है रिस्पेक्ट। वेन यू आर शोइंग लैक ऑफ रिस्पेक्ट और रेवरेंस टुवर्ड्स गॉड, दैट इज सैक्रिलेज, ठीक है, दैट इज सैक्रिलेज। एंड सैक्रिलेज एंड ब्लास्फेमी आर ऑलमोस्ट सिमिलर, बट प्लीज रिमेंबर सैक्रिलेज इज द एक्ट एंड ब्लास्फेमी इज द लॉ, ठीक है। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं, लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन, ठीक है, लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। जल्दी से बताइएगा, व्हाट डू यू थिंक इज द करेक्ट आंसर हियर, ठीक है, what do you think will be the correct answer here? This is your next question, question number 6, फटाफट से देख के बताइए। शुभम आपका ये वाला पार्ट भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, बट दैट विल बी इन अ डिफरेंट, मतलब ये यहाँ से वो मेरे साथ नहीं कवर होगा, ठीक है, तो उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा, सो डोंट वरी। चलिए जल्दी से बताइए, जी लेक्स मीन सुप्रीम, एब्सोल्युटली राइट, राइट श्रेया। आपकी फॉर एग्जांपल लॉ की एक बहुत ही बेहतरीन किताब भी कौन सी मानी जाती है? आपकी लेक्सिस नेक्सिस वो मानी जाती है, तो लेक्सिस वहीं, वैसे वो तो नाम है लेकिन लेक्स इज एक्चुअली सुप्रीम, ठीक है। ओके, क्विकली जल्दी से बताइए यहाँ पर, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? व्हाट इज यूथनेजिया? व्हाट इज यूथनेजिया? व्हाट इज यूथनेजिया? ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि क्या आपको लगता है क्या सही जवाब हो जाएगा। व्हाट इज यूथनेशिया?
ओके वेरी गुड. आई थिंक यहाँ पर एक बच्चे ने सही जवाब दिया है, आक्रोश बाबा. वेरी गुड, ठीक है, वेरी नाइस. चलिए देखते हैं. इट इज़ अ नेम ऑफ कैपिटल ऑफ एन ईस्ट यूरोपियन कंट्री. ठीक है, इट इज़ अ नेम गिवन टू अ ह्यूमन एलमेंट और डिजीज. इट इज़ द सेम थिंग एज पेनल्टी शॉट इन आइस हॉकी. अ बिलीफ एंड प्रैक्टिस इन एंडिंग अ लाइफ इन ऑर्डर टू रिलीव इट ऑफ पेन एंड सफरिंग. ये क्या नाम है? आक्रोश बाबा. एक्सलेंट, आक्रोश बाबा ने बिल्कुल सही जवाब दिया है. आक्रोश बाबा का बिल्कुल सही जवाब आया है. एक्सलेंट आक्रोश बाबा. ठीक है, यूथनेशिया क्या है बच्चे? यूथनेशिया क्या है? यूथनेशिया इज एक्चुअली, यूथनेशिया कई बार क्या होता है मैं आपको बताती हूँ. फॉर एग्जांपल आई कैन टेल यू पर्सनली. ठीक है, लास्ट ईयर फॉर एग्जांपल माय फादर वाज इन अ कोमाटोस स्टेज. ठीक है, कोमाटोस स्टेज क्या हो जाती है? एक वेजिटेटिव स्टेट हो जाती है. लॉ के हिसाब से क्या हो जाता है? ऑफ कोर्स देयर आर पर्सनल इमोशनल फीलिंग्स अटैच, लेकिन लॉ के टर्म्स में क्या हो जाता है? देखिए लॉ के केस में क्या हो जाता है, अगर हमारे हमारे बॉडी के अंदर सारे के सारे सेल्स रीजुविनेट हो सकते हैं एक्सेप्ट फॉर ब्रेन सेल्स. ठीक है, हमारे जो ब्रेन सेल्स हैं वो कभी रीजुविनेट नहीं हो सकते हैं, वो कभी भी दोबारा से नहीं बन सकते हैं. तभी अगर आप गॉड फॉरबिड ब्रेन डेड हो गए, अगर आप कभी ब्रेन डेड हो गए तो आप कौन सी स्टेट में चले जाते हो? आप वेजिटेटिव स्टेट में चले जाते हो और कभी भी आप फिर एक नॉर्मल जिंदगी नहीं जी पाएंगे. ठीक है, तो आपके लीगल सिस्टम में क्या होता है? आपके लीगल सिस्टम में आपके आक्रोश. आपके लीगल सिस्टम में क्या होता है? आपके लीगल सिस्टम में बच्चे आपको याद रखना है, आपके लीगल सिस्टम के अंतर्गत इसको क्या कहते हैं? आपके लीगल सिस्टम के अंतर्गत इसको कहते हैं कि क्या हमें बेसिकली इनको मर्सी किलिंग दे देना चाहिए. मर्सी किलिंग यानी कि इनकी वैसे भी लाइफ जो है वो बिल्कुल ही फजूल हो जाएगी. ठीक है, और मतलब क्या ही फायदा ऐसा जीने का. तो मर्सी किलिंग के लिए आपके कई सारे मतलब कई सारी कंट्रीज के अंतर्गत लॉ बने हुए हैं. लेकिन कई सारी कंट्रीज ये भी कहती हैं कि हम कौन होते हैं, अगर उनकी सांसें चल रही हैं तो हमें बिल्कुल भी उनको मारने का कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है. आपकी एक मूवी भी आई थी ऋतिक रोशन की गुजारिश और ऐश्वर्या राय के साथ, तो वो मूवी भी संजय लीला भंसाली की इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थी, यूथनेशिया पे. ठीक है, यूथनेशिया से हमारा क्या तात्पर्य हो जाता है? यूथनेशिया से हमारा तात्पर्य हो जाता है देखिए यस शुभम, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारा जो माइंडसेट है वो आ जाता है. राइट, फॉर एग्जांपल इवन इन माय पर्सनल केस माय फादर वाज इन अ कोमाटोस स्टेज फॉर 3.5 मंथ्स. लेकिन क्यों वी कुडंट टेक एनी स्टेप? बिकॉज कई बार देयर इज दिस होप. तो इंडियंस के अंतर्गत वो आ जाता है कि हाँ हो सकता है कि कुछ बदली हो जाए. ठीक है, तो ये चीज़ आ जाती है. ठीक है, ये चीज़ आपकी आ जाती है, ये आपको याद रखना है. तो लॉ ऑफ कोर्स आपको क्या कहता है, लेकिन यूथनेशिया है क्या? यूथनेशिया आपकी ऐसी बिलीफ है या आपकी ऐसी प्रैक्टिस है. ठीक है, यूथनेशिया आपकी ऐसी बिलीफ है या आपकी ऐसी प्रैक्टिस है. ठीक है, यूथनेशिया आपकी ऐसी बिलीफ है या आपकी ऐसी प्रैक्टिस है कि क्या हमें एंड कर देनी चाहिए ताकि जो पेन है जो उनके रिलेटिव्स को हो रहा है, जो उनकी बॉडी को हो रहा है, वो तो एटलीस्ट खत्म हो जाए. ठीक है, और रिसोर्सेज के बारे में भी बात किया जाता है क्योंकि एक पर्सन को एक आईसीयू में रखना वो काफ़ी ज़्यादा एक तरफ से मतलब इट्स अ टॉर्चर इन इटसेल्फ. तो ये चीज़ आपने यहाँ पर याद रखनी है. और जैसे कि मैंने आपको कहा था, ये आपकी मूवी भी बनी हुई थी. ठीक है, संजय लीला भंसाली की एक मूवी आई थी गुजारिश, जो कि आपके यूथनेशिया के बारे में ही डील कर रही थी. ठीक है, गुजारिश मूवी में क्या बताया गया है? गुजारिश मूवी में यूथनेशिया बताया हुआ है. ठीक है, तो ये चीज भी आप थोड़ी बहुत ध्यान में रख सकते हैं. चलिए फटाफट से आगे चलते हैं. लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन. जल्दी से बताइए व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर हियर. ध्यान से देख के बताइए और क्या लगता है आपको क्या सही जवाब हो जाएगा यहां पर? नो गौरव, अनफॉर्चुनेटली नॉट. And he's no more with us. Anyway, चलिए जल्दी से देख के बताइए what will be the correct answer here. वेरी गुड, वेरी गुड. वैभवी सिंह ने बिल्कुल सही जवाब दिया है. ठीक है, वैभवी सिंह ने बिल्कुल सही जवाब दिया है. स्वरा त्रिपाठी का भी सही जवाब है. हस्बैंड एंड वाइफ हैव अ राइट टू ईच अदर्स कंपनी. ठीक है, हस्बैंड एंड वाइफ आर हैविंग अ राइट टू ईच अदर्स कंपनी. इस राइट को क्या बोलते हैं? इस राइट को कॉन्जुगल राइट बोलते हैं. व्हाट डू वी कॉल दैट इन लीगल टर्म्स? कॉन्जुगल राइट. तो आपके जो डिवोर्स केसेस होते हैं, ठीक है, उसके अंतर्गत क्या हो रहा है? उसके अंतर्गत इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉन्जुगल राइट्स हो रहा है. उसके अंतर्गत
इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉन्जुगल राइट्स हो रहा है, या एक तरह से नॉट इवन इन्फ्रिंजमेंट, आप ये भी कह सकते हैं कि लाइक यू नो व्हेन अ पार्टनर इज नॉट अग्रीइंग टू द कॉन्जुगल राइट्स, तो दैट टैंटामाउंट्स टू अ लॉ केस. ठीक है, दैट टैंटामाउंट्स टू अ लॉ केस. तो ये चीज आपने याद रखनी है कि जो हस्बैंड एंड वाइफ का जो रिलेशनशिप है एंड राइट टू ईच अदर्स कंपनी, उसको हम क्या कहते हैं, उसको वी कॉल इट एज कॉन्जुगल राइट्स. ठीक है, एंड देयर आर लीगल कॉन्सिक्वेंसेस. प्लीज याद रखिएगा, देयर आर लीगल कॉन्सिक्वेंसेस इफ यू डिनाय दीज कॉन्जुगल राइट्स टू योर स्पाउस. ठीक है, आजकल आपके लिव इन पार्टनर्स के पास भी कॉन्जुगल राइट्स आ रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइट्स आ रहे हैं. वी विल टॉक अबाउट टू केसेस ऑन दैट ऑल्सो, क्योंकि लास्ट टाइम भी आपके इसी से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए थे. ठीक है, सो यू नीड टू बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट दिस रूल. इस रूल के बारे में भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा. ठीक है, चलिए फटाफट से लेट्स जस्ट क्विकली गो ऑन. दिस वॉज यू गॉट द आंसर ऑल्सो, तो इसको एक बार बस देख लेते हैं. द एक्ट ऑफ अनलॉफुली एंटरिंग इन टू अनदर्स प्रॉपर्टी, जब आप किसी दूसरे के प्रॉपर्टी में घुस जाते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसको ट्रेसपास कहते हैं. व्हाट डू वी कॉल दैट, दैट इज कॉल्ड ट्रेसपास, दैट इज कॉल्ड ट्रेसपास. यू आर ट्रेसपासिंग, यू आर ट्रेसपासिंग, दैट मींस कि आप अंदर घुस रहे हैं किसी और की प्रॉपर्टी के अंतर्गत विदाउट देयर कंसेंट, विदाउट देयर कंसेंट. ओके, सो यू कैन रिमेंबर दिस, दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं. दिस इज वेरी सिंपल, ये सबका सही आना चाहिए. ठीक है, व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखिए और बताइएगा व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर. जी जी जी, चलिए फटाफट से बताइए यहां पर क्या सही जवाब हो जाएगा. एक्सेलेंट वैभवी, वैभवी बिल्कुल सही है. इफ अ पर्सन गोज अवे सीक्रेटली, सीक्रेटली और इवेड्स, इवेड्स द ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट. ठीक है, इवेड करना दैट मीन्स वो भाग रहे हैं, एक तरह के भगौड़े हैं. तो व्हाट इज दैट पर्सन कॉल्ड, दैट पर्सन इज कॉल्ड ही इज अब्सकॉन्डिंग. ठीक है, ही इज अब्सकॉन्डिंग, ही इज अब्सकॉन्डिंग. प्लीज याद रखिएगा, एक भगौड़े को लीगल टर्म में फ्यूजिटिव भी कहा जाता है, एक भगौड़े को लीगल टर्म्स में फ्यूजिटिव भी कहा जाता है. ठीक है, what do we call this person, we also call this person as a fugitive. ठीक है, हम एक भगोड़े person को क्या कहते हैं, हम एक भगोड़े person को fugitive भी बोलते हैं. हम एक भगोड़े person को क्या कहते हैं, हम एक भगोड़े person को fugitive भी बोलते हैं. और that person is absconding, और that person is absconding. ठीक है, वो person क्या कर रहा है, that person is absconding. So you need to remember this also, this is important. ठीक है, तो absconding is the correct answer. Okay, now this is important. ये हम लोग वैसे विस्तार में देखेंगे भी. ठीक है, ये जो आपका केस था ये एक तरह का पाथ ब्रेकिंग केस बन गया था, और इस केस को हम लोग देखेंगे भी. अच्छा, ये क्या है, ये आपका मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम केस. ठीक है, ये इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम शाह बानो केस भी कहते हैं. ठीक है, व्हाट इज दिस फेमसली कॉल्ड, दिस इज फेमसली कॉल्ड एज अ शाह बानो केस. ठीक है, इसका क्या मेन रीजन है, आपका जो शाह बानो केस है, ठीक है, आपका जो शाह बानो केस है, शाह बानो केस, शाह बानो बेगम केस जो है, ठीक है, दैट इज रिलेटेड टू व्हाट, दैट इज रिलेटेड टू व्हाट, इनमें से कौन से वो रिलेटेड है, जल्दी बताइए. वेरी गुड, वेरी गुड. ठीक है, इनमें से कौन से वो रिलेटेड है, आपका जो शाह बानो केस है, इट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन से वो रिलेटेड है, आपका शाह बानो केस, योर शाह बानो केस इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग. एग्जैक्टली, अब ये ना यही गलती करते हैं. ठीक है, क्योंकि ट्रिपल तलाक चल रहा है और शाबानो केस आ गया, अरे मुस्लिम मुस्लिम नाम लग रहा है तो ट्रिपल तलाक ही है, यहां पर गलती कर देते हो आप लोग. ठीक है, यहां पर आप लोग गलती कर देते हो. ध्यान से देखिए, एक्सेलेंट, एक्सेलेंट, आक्रोश बाबा ब्रिलियंट. ठीक है, वेरी नाइस, वेरी नाइस. ठीक है, क्योंकि यहां पर एकाश भच्चे ने ट्रिपल तलाक लिख दिया था जैसे गौरव मिश्रा ने, दैट इज रॉन्ग. ठीक है, तो ये चीज आपने यहां पर याद रखनी है. बच्चे, शाबानो केस वॉज अ वेरी वेरी पॉपुलर केस. ठीक है, आपका जो शाबानो का केस था ये बहुत ही पॉपुलर केस रहा था. इसमें हुआ क्या था कि जब आपका डिवोर्स हो जाता है तो हस्बैंड को मेंटेन भी करना होता है, तो मुस्लिम लॉ के जो सारी के सारी स्टेटमेंट्स थी उसको फाइट कर रही थी, उसके अगेंस्ट फाइट कर रही थी आपकी शाबानो बेगम. ठीक है, तो शाबानो केस जो हो गया ये बहुत ही फेमसली शाबानो केस बन गया. मुस्लिम्स वाइफ्स राइट टू मेंटेनेंस आफ्टर डिवोर्स. ठीक है, तो इस मेंटेनेंस को क्या कहते हैं, इस मेंटेनेंस को एलिमनी भी कहते हैं. लीगल टर्म्स में से क्या कहा जाता है, लीगल टर्म्स
कॉन्टेक्स्ट में इसे एलिमनी कहा जाता है, यानी कि जब आप अपनी वाइफ को, ठीक है, जब आप अपनी वाइफ को डिवोर्स के बाद मेंटेनेंस दे रहे हैं, ठीक है, जब आप अपनी वाइफ को डिवोर्स के बाद मेंटेनेंस दे रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, जो आप अपनी वाइफ को डिवोर्स के बाद मेंटेनेंस देते हैं उसको एलिमनी बोला जाता है। और उसके लिए शाह बानो बेगम लड़ रही थी, क्योंकि वो क्या कर रही थी, उनकी सोसाइटी, उनकी कम्युनिटी डिफरेंट लॉ को फॉलो कर रही थी, तो इन्होंने काफी लड़ाई करी, काफी लीगल बैटल्स फाइट करे। तो शाह बानो केस इज एक्चुअली एसोसिएटेड विद द मुस्लिम्स वाइफ राइट टू मेंटेन फॉर मेंटेनेंस आफ्टर डिवोर्स, ठीक है, जो पैसा मतलब एक वाइफ को मिलना चाहिए तो उसको हम एलिमनी भी कहते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि ये जो आपका केस है, ये जो आपका शाह बानो केस है, ठीक है, दिस वाज एक्चुअली अ शाह बानो केस, ये बहुत ही फेमस केस बन गया था, दिस वाज एक्चुअली अ वेरी वेरी फेमस केस, शाह बानो का ये जो केस था, सॉरी शाबानों का ये जो केस था, दिस बिकेम अ वेरी वेरी पॉपुलर केस, ठीक है। और ये क्या था, जो मुस्लिम वाइफ है उनकी राइट फॉर मेंटेनेंस, यानी कि उनको एलिमनी दी जानी चाहिए, उनको प्रॉपर एलिमनी दी जानी चाहिए, क्योंकि पहले क्या हो रहा था, हस्बैंड जैसे फालतू में उनको डिवोर्स दे देते थे, मैरिज कर रहे थे। लेकिन जी 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 स्वरा, बिल्कुल, इवन आई एम हैविंग अनदर क्लास सो आई विल बी एंडिंग इट, ठीक है। तो प्लीज़ याद रखिएगा, दिस शाबानो केस वॉज, दिस वॉज वेरी वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल केस, काफ़ी सारे अभी भी अगर आप इंटरव्यूज़ ले जाते हैं ना तो वो आपसे पूछते हैं व्हाट आर योर ओपिनियंस ऑन दिस केस, राइट, एंड एलिमनी। तो अगर आपको पूरी हिस्ट्री नहीं पता होती है तो ऑफ कोर्स लाइक यू नो इट बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या दे दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था वो फेवर कर रहा था कि आपको विमेन, मुस्लिम विमेन को डिवोर्स के बाद एलिमनी देनी पड़ेगी, ठीक है, आपको मुस्लिम विमेन को एलिमनी देनी पड़ेगी डिवोर्स के बाद। और इसके बाद देखा भी गया था कि काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हो गई थी विमेन की कंडीशन में, ठीक है, मुस्लिम विमेन की जो कंडीशन थी वो काफी ज्यादा इंप्रूव कर गई थी, ठीक है। चलिए, जी जी जी, इवन आई एम स्वरा, दिस क्लास इज जस्ट एंडिंग, क्योंकि इवन आई हैव टू टेक अनदर क्लास। तो यहाँ तक हम लोगों ने कवर किया, लाइक आई सेड वी विल बी कवरिंग 3 units ऑफ योर कोर्स, ठीक है। ये तीनों यूनिट्स आपके लीगल टर्म्स, लीगल मैक्सिम्स, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड लीगल अवेयरनेस को कवर किया जाएगा अलॉन्ग विद केसेस, ठीक है। तो 20 days का ये कोर्स रहेगा, ठीक है, more than actually 3 hours, don't worry Shreya about that, so continuously आपका 20 to 25 days का session रहेगा, इसको properly आप regularly attend कर लीजिएगा so that everything is getting revised। और constitutional law को please take it very seriously because it's very important for your other law entrances also, और साथ ही साथ में आपके LLB के बाद जो entrances आएंगे उसके भी एक तरह की backbone बनेगी, तो अगर आप अच्छे से अभी समझने लग जाएंगे it'll be very helpful for you, ठीक है। चलिए, इसी के साथ हम आज की क्लास को एंड करते हैं, अगर कोई डाउट हो तो उसे आप कॉमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, आई विल definitely try to include it, please kindly share the video as much as possible, or zyada se zyada try to get double the number of students, that's very encouraging for us, theek hai, chaliye isi ke sath hum aaj ki class ko end karte hain, bahut bahut dhanyawad।